नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम जो MPPSC का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, प्रीलिम्स का, उसके लिए अपनी पेड क्विजेस को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये सारे, आपको एग्जामिनेशन में सीधे या फिर इनडायरेक्टली रूप से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा एग्जामिनेशन तक आपके। और अगर आप हमारे ग्रुप्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर दी हुई हैं, आप उसमें एडमिशन लेके अपनी श्योर शॉट सिलेक्शन वाली तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज के। आपसे पूछा गया है बक्सर का युद्ध इसमें से किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल करना स्टार्ट कर रही थी तो उनके एक तरीके से फुल कंट्रोल इसी युद्ध के बाद से जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ का, बंगाल और बिहार के रीजन का, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी को चुनेंगे, 1764। और कई बार डेट पूछ लेते हैं स्पेसिफिक कि किस डेट को लड़ा गया था, तो 22 अक्टूबर 1764, ठीक। अगला है सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिरपुर बेसिकली यहाँ है छत्तीसगढ़ में। प्राचीन काल में हम देखें तो यहाँ पे एक पांडुवंशी डायनेस्टी होती थी और 5th से लेकर 12th सेंचुरी के मध्य के कुछ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें बुद्धिस्ट ये हिंदू भी हैं और जैन है ना टेम्पल वगैरह हैं यहाँ पे सिरपुर तीर्थ में, तो इसको ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट। संविधान के हमारे कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रचना करनी चाहिए, यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह आप घूमने जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लाल किला हो गया, ताजमहल वगैरह हो गया है ना, जिनके कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं ये, तो इन सबको प्रोटेक्ट करना स्टेट यानी कि जो सरकारें हैं उनका दायित्व तो है। किस अनुच्छेद में प्रावधान है ये, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे भाग 4 में प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 51 के मध्य, उसी में एक आर्टिकल है 49। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सेंसस के आंकड़े चूंकि अभी नए हुए नहीं है तो 2011 वाला ही डेटा पढ़ना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो था यानी कि पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है वो केरला में सबसे ज़्यादा था 1084, ठीक है, और सेकेंड पोजिशन पर तमिलनाडु था, ठीक है, यहाँ पर 995 था, ठीक। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। तो जैसे भारत का ये हम मैप देखते हैं, ठीक है, तो क्या है साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन हमारा ये है, ठीक है। तो मानसून की जो यहाँ पे हमारे प्रवेश भारत में जब होता है हमारे जून के महीने में, तो सबसे पहला स्टेट हमारा केरला है जो ये मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। तो पूरे भारतवर्ष में जो हमारा क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है हवाओं की गति से यानी विंड से, लैटिट्यूड यानी कि जो हमारी ये ऐसे देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो जो हमारी ये पैरेलल लाइंस है इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, ठीक है, जैसे सबसे नीचे से 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ऊपर जैसे लगभग 37 डिग्री तक की हमारी जो लैटिट्यूड लाइंस है, तो जाहिर सी बात है नीचे हमारा कुछ मौसम होता है क्लाइमेट और ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना, तो नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा क्लाइमेट उसके कंपैरिजन में साउथ के यहाँ पे ठंडा होता है, ठीक है, तो लैटिट्यूड से भी फ़र्क पड़ता है, हाइट से भी फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए कि जैसे किसी आप मध्य प्रदेश के किसी स्थान पे हैं और फिर चले जाइए शिमला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एलिवेशन ज़्यादा है ना शिमला में, तो मध्य प्रदेश के हमारे सपोज इंदौर में हमें, तो इंदौर से ज़्यादा मौसम ठंडा होगा शिमला में, ठीक है, तो क्लाइमेट हमारा हाइट से भी प्रभावित होता है लेकिन लॉन्गिट्यूड से प्रभावित नहीं होगा, है ना, ये बेसिकली पैरेलल लाइंस होती हैं, तो इस पे हमारा कोई ये कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करने का।
रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या होता है, इसको स्लेक्ड लाइम कह सकते हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसका, CaOH2। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे तीसरी बार इंडिया ने ऑब्जर्व किया, मतलब ऑर्गेनाइज किया है इस IBA जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन हम इसमें चुनेंगे सी को, और पॉइंट्स टेबल में भी देखेंगे तो भारत ही जो है वो शीर्ष पे रहा था। मार्च 2023 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? तो लास्ट ईयर जो हमारे नेशनल गेम्स आयोजित हुए वो 36th एडिशन के थे, इसको ध्यान रखना है। पहले तो आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। मेडल टैली की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला राज्य था महाराष्ट्र, कुल 140। मध्य प्रदेश की अगर हम मेडल्स की भी बात कर लें इसी के साथ साथ, तो मध्य प्रदेश राज्य ने कुल 66 मेडल जीते थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें से अगर हम इसकी कैटेगरी वाइज भी देख लें तो गोल्ड जीते थे 20, ब्रॉन्ज जीते थे 25, और ब्रॉन्ज जीते, और सिल्वर मेडल जो है, नहीं नहीं 25 हमारे सिल्वर थे, ब्रॉन्ज थे जो है कुल 21। ठीक है, एक बार हो सके तो क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, फिलहाल इसको ध्यान रखना है, ये ठीक है यही वाला। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब अनाउंस हुआ जुलाई 1905 में, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के बाद जो है मुख्य रूप से बंगाल से स्टार्ट हुआ स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो अन्य भागों में इसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता था, लेकिन जो वर्तमान आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर इसको वंदे मातरम मूवमेंट जो है, वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए विधायक नहीं चुना गया, ठीक है, राज्य की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, फिर भी वो मंत्री के पद पे नियुक्त हो सकता है 6 महीनों के लिए, बशर्ते उस 6 महीने के अंदर अगर वो उस राज्य में सिर्फ विधानसभा है तो उसकी सदस्यता वो प्राप्त करे, अगर विधान परिषद वाला भी राज्य है यानी कि दोनों हाउसेज हैं तो दोनों में से किसी एक का सदस्य वो बन जाए, अदरवाइज 6 महीने के बाद उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। यही व्यवस्था संसद के लिए भी है, यानी कि केंद्र सरकार में भी कोई मंत्री बन सकता है बशर्ते लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी हाउस में 6 महीने के अंदर वो मेंबर बन जाए। अगला है अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष आयोजित होता है? ठीक, तो ये काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है, फेयर है कह लीजिए, असम का, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। केमिकल एक एलिमेंट हमारा होता है बोरियम। ठीक है, तो इसकी परमाणु संख्या कुल पूछी गई है कुल मिला करके, तो ये होती 107, और इसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक जो थे उनमें से एक वैज्ञानिक नील्स बोर, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो इनका नाम पढ़ा होगा, इनके नाम पर बोरियम नाम जो है इस हमने जो है यहाँ पे अपने इस तत्व का नाम रखा है। ठीक, विकल्प बी को चुनेंगे। वर्तमान नियामक ढांचे के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त, जिसको कि इंग्लिश में माइक्रो फाइनेंस कह सकते हैं, तो ऐसे ऋण जो लोग लेते हैं, लोन्स लेते हैं, उसकी अधिकतम अवधि क्या है, उसको जो है लौटाने की कह सकते हैं। ठीक है, तो RBI के द्वारा ये गाइडलाइंस इशू की जाती है माइक्रो फाइनेंस के रेफरेंस में। मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 36 महीने का होता है। ठीक, यानी कि 3 साल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली जो है फंड ट्रांसफर, इसमें हम इसमें ऑड चुन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली RBI का फंक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स को जो करेंसी प्रोवाइड करना है ना, उसके रेफरेंस में हम समझ सकते हैं। बाकी लोन क्रिएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कॉमर्शियल बैंक्स, फॉर एग्जांपल जैसे जो SBI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या करते हैं, इसी पर्पस के लिए काम करते हैं ना, कि डेट क्रिएट करें और उससे जो प्रॉफिट हो उससे उनका बिजनेस चले। ठीक है, और बाकी डिपॉजिट लेते हैं, लोन तो देते ही हैं, ये सब वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। एक इंडेक्स आता है मल्टी जो है डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी जिस मुख्य रूप से आंकता है, तो लास्ट जो हमारा आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है 2021 एडिशन का, उसके अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये राज्य हमारा है बिहार।
तो यहाँ पे जैसे कई मामलों में बिहार जो है काफ़ी पीछे है, जैसे कि अशिक्षा मतलब शिक्षा के मामले में अशिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी यहाँ पे है, पावर्टी है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकारों से संबंधित है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में जो रिट्स इशू की जाती हैं ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, तो ये है अनुच्छेद 32 में, ठीक है। पांच प्रकार की जो रिट्स इशू होती हैं कौन कौन सी, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोरारी, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन, इनके बारे में अलग से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो आपके अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ठीक है, हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था, भारत में जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, ठीक है, 5 सालों की एक योजना होती थी, ठीक, तो 1951 से जैसे मुख्य रूप से चीज़ें शुरू हुई और 12 योजनाएं कुल बनी, तो इनका जो लक्ष्य हम कह सकते हैं डेवलपमेंट करना भारत का, निष्पक्षता रहे हर क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता हो भारत की हर क्षेत्र में लगभग, लेकिन सुरक्षा से संबंधित इसका जो ये लक्ष्य है 5 ईयर प्लान का, ऐसा कुछ नहीं था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का एक कारण नहीं है, तो जैसे अब सर्दियों के महीने स्टार्ट हो गए हैं, नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली अन्य भागों से नॉर्थ इंडिया में ठंड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे एक कारण इक्वेटोरियल करंट नहीं है, भूमध्य सागर में जैसे जो जैसे हम ये पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में कोल्ड करंट और हॉट करंट्स, तो इक्वेटोरियल करंट का प्रभाव हमारे नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ने का कोई कारण नहीं है, बाकी कैस्पियन सी के रीजन से ठंडी हवाओं का आना, हिमालय में स्नोफॉल सबसे बड़ा रीज़न है, है ना, समुद्र से दूरी होना, तो ये एक लो प्रेशर की कंडीशन जो है, सॉरी हाई प्रेशर की कंडीशन बनाता है, तो ये सब कारण है, यहाँ पे हम ऑप्शन सी को ऑड चुनेंगे। इसमें जौहर की घटना मुख्य रूप से राजस्थान के रीजन में उल्लेख कई बार मिलता है इसका, कि वहाँ की महिलाएं जौहर प्रथा करती थी, ठीक है, बेसिकली आग के हवाले कर देना खुद को उनके पति वगैरह की मृत्यु के केस में, ठीक है, तो इसका उल्लेख सबसे पहले फारसी भाषा में किसने किया था, तो अलाउद्दीन का एक जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका एक दरबारी था अमीर खुसरो, काफ़ी पॉपुलर नाम है, कई सारी इनकी रचनाएं हैं इसके बारे में पढ़िएगा, तो इन्हीं के पर्शियन टेक्स्ट में पहली बार जौहर का उल्लेख जो है वो मिलता है, ठीक है, रणथंभौर के क्षेत्र में, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। किस जीव मंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव नहीं जैव होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप, जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन तथा लैमर चियर, ये प्रमुख प्रजातियाँ जो यहाँ पर पाई जाती हैं इनके संरक्षण के लिए विख्यात है, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है भारत में हैं, है ना, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र होते हैं, मुख्य रूप से 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से 16वां की बात यहाँ पर की गई है, है ना, तो 2009 में ये घोषित हुआ, तो कौन सा है ये, कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को चुनेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि भारत का जैसे कई बार पूछते हैं कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, ठीक है, तो नीलगिरी है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये डिक्लेयर किया गया था जो है सबसे पहले, और कोल्ड डेजर्ट की लोकेशन कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के रीजन में। देखिए महिलाओं की जो दौड़ होती है, तो 100 मीटर की दौड़ में जो ये हर्डल वाली रेस होती है ना, बीच बीच में ऐसे कुछ स्टैंड बने होते हैं जिनको कूद करके जाना पड़ता है, ठीक है, तो 100 मीटर में कितने हर्डल्स की जो डिस्टेंस होती है एक हर्डल से दूसरे हर्डल के बीच में कितनी होती है, तो वही पूछा गया यहाँ पे, तो ये होती है 8.5 मीटर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले कितने वर्षों में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो अभी देखेंगे जो 2022 का ये इंडेक्स हमारा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें ये आंकड़ा बताया गया था, ये एज अ फैक्ट याद रखिएगा कि 415 मिलियन लोग लगभग पिछले 15 वर्षों में भारत में जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है उससे बाहर आए हैं, ठीक है, तो एक प्रकार का एक आंकड़ा है ये, इसको ध्यान रख सकते हैं। संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसको मिली थी, फ्रीडम स्ट्रगल पीरियड में आपने पंडिता रमाबाई का नाम सुना होगा, ठीक है, तो इनको यहाँ पे इनके संस्कृत की जो उपलब्धियों के लिए पंडिता का टाइटल मिला था कलकत्ता विश्वविद्यालय से, इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, और जो है ये 1978 के अराउंड जो है मिला था, और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इनको जो है ये कैसर ए हिंद की उपाधि दी जाती थी ना, तो वो भी दिया था 1919 में।
अभी हमने ऊपर अमीर खुसरो की बात की थी, ठीक है, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसको तूती ए हिंद है ना और कव्वाली का जनक भी कहा जाता है, तो यह अमीर खुसरो ही हैं, ठीक है। हिंदुस्तान का तोता, तूती ए हिंद से मतलब ये है, ये सब इनकी प्रमुख उपाधियाँ हैं। कई सारे लिटरेरी वर्क्स भी हैं इनके, उसके बारे में भी पढ़िए थोड़ा। एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसी का एग्जांपल है एनाबिना, इसको ध्यान रखेंगे, कभी अलग से क्वेश्चन ही पूछ ले कि एनाबिना क्या होता है, तो एक्वेटिक स्पेशीज होती है ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल, इसको ध्यान रखेंगे। तो जो मीठे पानी यानी कि जो हमारा स्वच्छ जल होगा, ठीक है, फ्रेश वाटर, उसमें पाए जाने वाले फर्न का एग्जांपल होता है एजोला, एजोला को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाए एजोला क्या होता है, तो फर्न का, ये सब एक्वेटिक स्पेशीज होती है, उसको डिटेल में भी पढ़ना है आपको, पूछे जाते हैं ये सब। तो इन दोनों के बीच में है ना, बेसिकली क्या है कि एनाबिना अजोला की पत्तियों में रहता है, और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन यानी कि सहजीवी, सहजीविता का रिलेशन एक दूसरे से के ऊपर आधारित होता है इनमें। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित हैं, ठीक है, पूर्वांचल रेफरेंस बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, देखिए पूर्वांचल रेंज कंप्राइज करता है, कह सकते हैं मणिपुर हिल्स को, मिजो हिल्स, नागा हिल्स और जैसे पटकाई हिल्स, ठीक है, तो ये सब शामिल है हमारे पूर्वांचल रेंज में। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, इसमें से किसने, किस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको जो है मनाना शुरू किया था या मनाता है अब, तो यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था कि जो 2 अक्टूबर की डेट है गांधी जी की जयंती, उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व इसमें से किसने किया था, तो सेकेंड राउंड टेबल, देखिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं 1930, 31 और 32 में, ठीक है, तो एक ही बेसिकली कह सकते हैं विषय से संबंधित ये तीनों सम्मेलन थे, लेकिन 3 अलग अलग सेशन में कंप्लीट हुए। तो जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने लीड किया था कांग्रेस को, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। और एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि ऐसे कौन व्यक्ति थे प्रमुख जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, तो ये थे हमारे B.R. अम्बेडकर जी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो देखिए ये कालबेलिया जो ऑप्शन डी में लिखा है ये काफ़ी पॉपुलर है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है घूमर, ठीक है, कालबेलिया, इसको ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा जो डांस फॉर्म है वो कौन सा है, कॉमेंट करेंगे आप। यहाँ पे आंसर वैसे गलत टिक था, ठीक है, दसकठिया किया जाता है उड़ीसा में, इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन कालबेलिया सही है। अस्थिमज्जा यानी कि जो हमारे बॉडी में हमारा बोन मैरो होता है, ठीक है, उसमें पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर की मरम्मत के प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे बॉडी में सेल्स के रिपेयर सिस्टम के रूप में काम करती हैं, स्टेम सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इनके बारे में पढ़िएगा। कपड़ा मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है उनके अनुसार 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर तक कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत में कॉटन प्रोडक्शन में सबसे लीडिंग स्टेट जो हमारा है वो है गुजरात, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है तेलंगाना, ठीक है, इन तीनों को ध्यान रखेंगे। ये तीनों मिलकर के ही लगभग 65% ऑफ जो प्रोडक्शन है कॉटन का इंडिया का वो प्रोड्यूस करते हैं। देखिए इकोनॉमी में आपने जैसे फैक्टर कॉस्ट के बारे में GDP और ये सब चीज़ों के रेफरेंस में अगर पढ़ा होगा तो फैक्टर कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, तो किसी उत्पादन में जो हमारा इनपुट कॉस्ट होती है ना, कोई भी निवेश लगता है हमारा, उसी को फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि भारत में की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में और विश्व में भी, तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, तो उसी क्रम में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही है जिसमें स्थानांतरित कृषि और उस राज्य का सुमेल जो है दिया हुआ है, तो बेवार जो है कहा जाता है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गांवों या गांवों के आसपास की जो एरियाज हैं, ठीक है, उसमें बुनियादी ढांचे की सुरक्षा यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उन सब की सिक्योरिटी के लिए उन्हीं गांव के लोगों से ही बने हुए एक समूह जिसको कि ग्राम रक्षा गार्ड योजना कहा जाता है, इसकी शुरुआत की है, तो ये अप्रूव किया गया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये किसी एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा भी गया था, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी है।
मार्च 2023 में डी गुकेश, ये प्लेयर का नाम है, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया ये तो बाद में बताएंगे, नहीं तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि ये कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनको ध्यान दीजिएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है, और पूछा ही गया है कि यह कौन सा खेल खेलते हैं, तो फेमस ये भारत के चेस प्लेयर हैं, ठीक है, और इनको जो है एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ, ठीक है, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उनको हम भारत में जनरल इलेक्शंस के नाम से जानते हैं। आज़ादी के बाद पहला इलेक्शन 1951 से 52 के दौरान कंडक्ट किया गया और प्रॉपर रूप से मई 1952 से सरकार जो है गठित हुई, पहली भारत की चुनी हुई, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को चुनेंगे। ठीक है, अब जैसे लास्ट हमारा जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो 17th edition का 2019 में, अब 2024 में फिर से इलेक्शन होगा, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें देखें कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी थी। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो उसी में से कला के क्षेत्र में जो है अपॉइंट हुई थी ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये भारत की एक फेमस जो है इसकी डांसर थी भरतनाट्यम की, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, यह मैच कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो जैसे वनडे का अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो वैसे ही टेस्ट के भी अब जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होते हैं, तो 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, ठीक है, जिसमें हालांकि इंडिया हार गया था, ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा, और ये आयोजन हुआ था जून के महीने में 2023 में ही लंदन में, ठीक है, ओवल ग्राउंड में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है, तो जैसे अभी हमने ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन देखा था माइक्रो फाइनेंस के रूप में, तो छोटे ऋण जो उपलब्ध कराने वाले संस्थान है उसमें से बंधन बैंक जो है ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, बाकी अन्य ऑप्शंस जो लिखे हुए हैं तो उसमें जैसे ICICI और HDFC जैसे प्राइवेट बैंक एग्जाम्पल हैं, हालांकि ये हैं तो कॉमर्शियल बैंक ही, ठीक है, और SBI जो है ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ऑप्शन डी। कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है। कुल मिला के बात हो रही है ओम्स लॉ, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो यहाँ पे ऑप्शन जॉर्ज साइमन ओम ने ये जो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताया वर्ष 1827 में। अब देखें इसमें एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक जैसे अभी हमने ऊपर SBI का देखा, तो कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन क्या है, लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये हो गया इसका फंक्शन। बाकी यहाँ पर जैसे मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, मौद्रिक नीति की ब्याज की दरें क्या होंगी या अन्य चीज़ें, ये सब RBI के कार्य हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी नोट इशू करना ये भी RBI का कार्य है, लेकिन सिक्के कौन इशू करता है, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको भी ध्यान रखेंगे। 2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल का चैंपियनशिप जो है फाइनल मैच कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजन हुआ था उड़ीसा में, क्या कोई बताएगा कि इसमें कौन विजयी रहा था, कमेंट करके बताइए, अदरवाइज हम अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बता देंगे। उस भारतीय का नाम बताना है जिसने अप्रैल 2023 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एंड ओशियानिया इवेंट इसमें खिताब जीता, तो अभी हमने ऊपर बात की थी डी गुकेश, ठीक है, इनको स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था ना, तो इन्होंने ही यहाँ पे ये अवार्ड भी मतलब इस इवेंट में भी खिताब जीता है। आयोजन ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड चेस आर्मगेडन है ये जर्मनी में आयोजित हुआ था बर्लिन में अप्रैल में। वित्त विधेयक 2023 यानी कि देखिए क्या होता है वित्त विधेयक, हमारा जो बजट प्रस्तुत होता है ना प्रतिवर्ष, तो चूंकि बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, फाइनेंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कहते हैं, तो प्रस्तुत होता है वो किस रूप में, फाइनेंस बिल के रूप में, तो 2023 में एक नई व्यवस्था दी गई है टैक्सेशन की, यहाँ पे लिखा है ना कर व्यवस्था, तो अगर इस नई व्यवस्था को लोग जो लोग चुनते हैं, ठीक है, या उसके अंतर्गत वो आना चाहते हैं, तो उसमें प्रावधान ये किया गया है कि एक जो टैक्सेशन एक्ट है उसका 87A एक सेक्शन है, उसके तहत जो
आपकी इनकम पे जो कह लीजिए टैक्स फ्री इनकम की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि अगर इसको कोई चुनता है तो 87A के तहत छूट के लिए पात्र व्यक्ति कुल आय की प्रारंभिक सीमा को 5 लाख से बढ़ा करके कितने लाख रुपए कर दिया गया है। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम समझें तो जो नई व्यवस्था इस हमारे 2023 के फाइनेंस बिल में बताई गई है, तो अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, ठीक है, तो वो आप अगर इस व्यवस्था में आना चाहते हैं तो वो टैक्स फ्री होगी। 7 लाख से ऊपर होती है तो आपको टैक्स जो है वो जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लिमिट को 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख किया गया है। निम्नलिखित में से भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो रेलवे स्टेशन जो कि पूरी तरीके से मेंटेन और कह लीजिए संचालित किया जाता है महिलाओं के द्वारा, यह है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पे है, जयपुर में। तो इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ आप देखिएगा और संबंधित जो फैक्ट है उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया करिए। समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्जामिनेशन जल्दी ही होने वाला है, तो प्लीज़ अपने रिवीजन पे ध्यान रखें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पेड ग्रुप्स में अपनी पूरी तैयारी के लिए हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन लें और जो कि सिलेक्शन के लिए हमारे जो स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही लो कॉस्ट पर। आप उसको पढ़ करके सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।